मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अच्छे से पढ़ाई की थी आज? जी। खूब मजा आया? जी। हाउ नाइस। अच्छा अब दोनों बच्चे जाएंगे, फ्रेश अप हो जाएंगे, ठीक? ठीक है। जाओ शाबाश। आओ हो क्या, आज उजाला नजर नहीं आ रही, चक्कर ही नहीं लगाया उसने? अरे दादी जान, आप उजाला के चक्कर को छोड़ें और अपने पोते के चक्कर के बारे में सोचें। मैं समझी नहीं। दादी आपके इसी भोलेपन की वजह से तो ये दिन देखने को मिल रहा है। आपको पता है आपका जो पोता है ना, रोमांस करता फिर रहा है। हाँ, और आपको बताया भी नहीं और किसी से प्यार कर बैठे हैं वो। अब देखें दादी, ये कितनी गलत बात है। उनको कम से कम आपसे इजाजत तो मांगनी चाहिए थी ना, है ना? क्या कह रही हो तुम? देखा, आपको भी यकीन नहीं आया कि जिस पोते को आप इतना भोला मासूम और शरीफ समझती थी, वो इतना मीसना और गुन्ना निकलेगा। हैरत है, उसने मुझसे तो कभी इस सिलसिले में बात ही नहीं की। तो भला मैं भी कोई मना कर देती क्या? अरे मैं तो कब से इस इंतजार में बैठी हूँ कि उसकी शादी हो, इस घर में बाहर उतरे। मुझे तो अपने अरसम की खुशी अजीज है, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा ये तो बताओ, उसने खुद तुम्हें बताई ये बात? नहीं दादी, मुझसे क्यों कहेंगे, मेरी उनसे कोई इस तरह की बेतकल्लुफी थोड़ी है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ दादी, मेरी जो सिक्स सेंस है ना, वो बहुत तेज है। अच्छा ये बताओ कैसी है, खानदान कैसा है, दिखने में कैसी है? अरे मुझे यकीन है कि मेरा अरसम किसी ऐसी वैसी लड़की को तो पसंद कर ही नहीं सकता। बड़ी नफीस मिजाज का मालिक है मेरा बच्चा। बताऊंगी दादी, बताऊंगी। ठीक है, अब मैं भी खुद से उससे कुछ नहीं पूछूंगी, देखती हूँ कब तक छुपाता है मुझसे। अरे तुम ऊपर बैठो ना। जी दादी, अब बस मैं घर ही जाती हूँ। अच्छा जल्दी चक्कर लगाना बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र।